धर्मशाला उपचुनाव में हार के फैक्ट जांचने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया और अजय महाजन धर्मशाला पहुंचे। कमेटी सदस्यों ने सर्किट हाउस धर्मशाला में बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर बात की है कि क्या कारण रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारे ही नहीं बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रखे गए मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करके जल्द हाईकमान को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने सभी से अलग अलग बात की है जिससे ये पता लगाया जा सके कि पार्टी की हार का मुख्य कारण क्या रहा है। साथ ही 19 अक्टूबर को आयोजित पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा आयोजित धाम में संगठन के लोग उपस्थित थे। हम भी वहाँ ये देखने गए थे कि सुधीर शर्मा का संदेश क्या है, रिकॉर्डेड है या वायरल है। जो भी हमने वहाँ देखा है उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजेंद्र कर्ण का कहना है कि हार के कारणों की जांच में देरी तो हुई है लेकिन अब हाईकमान उचित कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा आरोप है कि पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने नकारात्मक भूमिका उपचुनाव में निभाई है जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी गई है। ज्वालाजी में लगातार चोरियों की वारदातें सामने आ रही है लेकिन चोरों को पकड़ने में ज्वालाजी की स्मार्ट पुलिस बेबस नजर आ रही है। ताजा मामला गुम्बर में पेश आया है जहां चोरों ने एक दुकान वो साथ लगते कमरों के ताले तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि चोर यहां से कुछ भी लेकर नहीं गए हैं लेकिन दुकान के ताले टूटने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार गुम्बर स्थित एक सरकारी स्कूल के साथ लगती विपिन शर्मा की दुकान के तालों को चोरों ने तोड़ दिया है। हालांकि चोर दुकान के ताले तोड़ने के बाद दुकान के अंदर थोड़ा बहुत सामान को इधर उधर बिखेर कर चलते बने हैं। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा दुकान में चोरी करने का ये असफल प्रयास रहा है। बताया जा रहा है कि इस दुकान के साथ ही एक अन्य दुकान में भी कुछ दिहाड़ीदार मजदूर रहते हैं जिनके दो मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोबाइल लेने के बाद चोर उसके अंदर रखी सिम कार्ड को वहीं छोड़कर फरार हो गए हैं। चोरी की वारदात का पता सभी को सुबह के समय लगा। पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज शर्मा ने कहा कि चोरी की वारदात में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गुम्बर में चोरों द्वारा चोरी का सफल प्रयास किया गया है ऐसा मामला पेश आया है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सोलन के राजगढ़ रोड पर स्थित दुकान में आग लगने के बाद दमकल विभाग ने बड़ी ही मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया लेकिन जिस तरह से आग पर काबू पाया गया वह तरीका दुकान के मालिक विजय गुप्ता को पसंद नहीं आया। दुकान मालिक ने दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप लगाया है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाते समय एहतियात नहीं बरता जिसकी वजह से जो सामान आग से बच सकता था उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनका सामान आग की भेंट चढ़ रहा था वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी उनसे ठीक से व्यवहार भी नहीं कर रहे थे जो कि सरासर गलत है। वहीं दमकल अधिकारी राजाराम ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा कि जैसे ही सूचना मिली उनके कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं जिसमें से दो होमगार्डों के जवान भी थे। उन्होंने आधे घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के समय उनका एक कर्मचारी चोटिल भी हो गया है। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर उनके पास होमगार्ड के कर्मचारी भी तैनात होते हैं तो उन्हें भी पहले आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर शहर में 15 दिसंबर को होने वाले वर्ल्ड प्रोफेशनल एमएमए चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम फिट तो इंडिया फिट का थीम लेकर आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर करना है। यूएफआई इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेश ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस तरह का आयोजन का मकसद युवाओं को नशों से दूर करना है। उन्होंने बताया कि इस मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में 20 फाइटर हिस्सा लेंगे और ये फाइट 10 विश्व स्तरीय फाइटरों के बीच होगी जिसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, ब्राजील, थाईलैंड, एशिया,
और रशिया से एमएमए के चैंपियन हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में ग्रेट खली रिंग में नहीं उतरेंगे, केवल वे युवाओं को मोटिवेशन के लिए यहां आ रहे हैं। मास्टर भूपेश ने बताया कि रामपुर के पाट बगला मैदान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5,000 लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टिकटों की बुकिंग जारी है।